यार तुमने ना मेरी दुखती रख पे हाथ रख दिया है। आजकल मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। पहले मतलब कुछ महीने पहले तक ऐसा होता था कि मैं एक दिन में एक किताब पढ़ लेता था, बहुत हुआ तो डेढ़ से दो दिन में एक किताब पढ़ लेता था, मज़ा आता था पढ़ने में। अभी भी मज़ा बहुत आता है, लेकिन थोड़ा सा इधर कुछ दिनों से किताब पढ़ना कुछ कम हो गया है और ज़्यादा व्यस्तताएँ हो गई हैं। जबकि मैं बहुत ज़्यादा नेटफ्लिक्स एंड चिल भी नहीं करता हूँ। अभी एक सीरीज़ देखी थी डीकपल्ड करके, बहुत सारी तो अधूरी पड़ी हैं। स्क्विड गेम भी पूरी नहीं देखी, सक्सेशन देखनी शुरू की वो भी पूरी नहीं कर पाया, समय नहीं मिल पा रहा है। प्रॉब्ली आई नीड टू मैनेज माई टाइम बेटर। पढ़ना जितना चाहता हूँ उतना पढ़ नहीं पाता हूँ, पता नहीं आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है। अर्जल गगरी छलकत जाए वाला मामला है। और मेरे गुरुजी कहा करते थे, द मोर यू नो हाउ लिटिल यू नो। जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि अभी अज्ञान का घट कितना है, कितना उसको रीतना है। अगला सवाल जी भैया पूछे, ऐसे पूछ लो, आवाज आ रही है। ये विकास नाम है मेरा, ये बोल रहे हैं कि आप, क्योंकि हम लोग का बड़ा विश्वास है लल्लन टॉप पे, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप कभी मोदी जी का इंटरव्यू लेना चाहेंगे, क्योंकि बड़ा कम वो इंटरव्यू दिए ही नहीं और हम लोग का बड़ा क्वेश्चन है। कौन सा पत्रकार होगा इस देश का जो अपने देश के प्रधानमंत्री से देश की जनता के सवाल ना पूछे? क्यों नहीं वहाँ पे जाते पूछने के लिए? क्या आपको वाकई लगता है कि हमने प्रयास नहीं किया? मैं वही पूछ रहा हूँ, क्या आप लोग को चांस नहीं मिला कि सर इंटरव्यू तो बहुत दूर की बात है, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस ही हो जाए। फिर तो फिर ठीक है, फिर जब आपको नहीं दे सकते तो फिर समझ। नहीं मैं तो चाहूंगा, मैं इस देश के प्रधान, मैं नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, राहुल गांधी जी का, मायावती जी का, योगी जी का, इन सब का इंटरव्यू करना। पत्रकार का काम है कि जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं उनसे सवाल पूछे जाएं और जो शीर्ष पर दावेदारी कर रहे हैं उनसे भी सवाल पूछे जाएं। सो आई वेरी मच वांट टू इंटरव्यू अवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। आपकी अगर बात हो तो हमारी सिफारिश पहुंचाइएगा। सुना है जनता की सुनते हैं। सौरभ का सवाल है सौरभ से कि जब लोग इस तरह की टिप्पणियां करते हैं तो हमारा क्या दायित्व है? मौके पर बातचीत के क्रम में हर टिप्पणी का प्रतिवाद करना मुमकिन नहीं है, हर टिप्पणी का, लेकिन पत्रकारिता का ये दायित्व है कि वो लोगों को जागरूक भी करे। अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर जागरूकता के लिए लल्लन टॉप रोजाना एक कार्यक्रम करता है, सोमवार से शुक्रवार तक। क्या नाम है उस कार्यक्रम का? एक साथ बोलिए, क्या नाम है? दुनियादारी। दुनियादारी में हम ये सारी चीजें बताते हैं। जल्द ही विधानसभा चुनाव के बाद लल्लन टॉप पे कई और कार्यक्रम शुरू होंगे जो पॉलिसी अफेयर्स से जुड़े होंगे, ताकि मेरे देश के नागरिक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बना सके और बेटर चॉइसेस बना सके। जी अगला सवाल। हाँ भैया पूछिए। सर मेरा सवाल ये है कि जो बड़े लोग मतलब होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, तो मोस्टली उनके बारे में सारी अच्छी बातें होती होनी चाहिए, वो भी अपने बारे में सारी अच्छाइयां बताते हैं, लेकिन हर इंसान अपने जिंदगी में कुछ गलती करता है और वो गलतियां करके आगे बढ़ता है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर अपनी गलतियां बताएं तो और युवाओं को कॉन्फिडेंस होगा कि अरे यार हमने ऐसी गलती की है लेकिन हम पीछे छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं जिंदगी में। जी तो आप कुछ ऐसा बता सकते हैं, कोई ऐसी टिप्स दे सकते हैं हमारे आज के जनरेशन को, यूथ को? मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की हैं। उन गलतियों के बारे में, उनमें से कई गलतियों के बारे में मैंने सार्वजनिक रूप से चर्चा भी की है। एक मेरी टेट टॉक है जिंदगी जीने के लल्लन टॉप तरीके, उसमें इसका जिक्र है। लल्लन टॉप के बिल्कुल शुरुआती दौर के वीडियोज हैं, उसमें मेरी गलतियों का जिक्र है। गलतियां अद्भुत पाठशाला होती हैं, लेकिन वो पाठशाला में तब्दील हों इसके लिए जरूरी है कि आप गलतियों को स्वीकारें, जो बात मैं राजनेताओं से कह रहा था। और मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले ही गलती की, जब कांग्रेस की नेता ने कहा कि वो कानून बनाएंगी, आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन कि IPC में तब्दीली सिर्फ केंद्र सरकार कर सकती है, तो मैंने उनको टोका। फिर उस गलती को मेरे कानून के जानकार दोस्तों ने सुधारा तो मैंने सुधारा। तो गलती तो हम लगातार करते हैं, दिक्कत गलती करने में नहीं है, दिक्कत उसको ना स्वीकारने में, अहंकार में है। मेरी ये प्रार्थना है प्रकृति से कि उस एक चीज से बचा रहूं, मतलब कोशिश करूंगा यार, सीरियसली। वो है ना, हम में ना देवता है ना फरिश्ता कोई,
छू कर मत देखो हर रंग बिखर जाता है, ऐसा कुछ है मामला। तो गलतियां होती हैं, बहुत सारी होती हैं। जैसे हमने बीएससी की पढ़ाई की, हमारी कतई आप हमसे आठवीं क्लास की मैथ्स पूछोगे हम नहीं बता पाएंगे। मैथ्स में हमने ग्रेजुएशन, हमने स्पेशल फंक्शन में पता नहीं क्या क्या पढ़े हैं, तो वो गलती थी, वो तीन साल वेस्ट हुए। अगर मैं रिवाइंड कर पाता तो मैं स्पोर्ट्स को और वक्त देता, पढ़ाई को और वक्त देता, मन की पढ़ाई को, थोड़ी सी हैंडराइटिंग और बेटर करता। मतलब मेरी गंदी नहीं है, अच्छी है, पर कैलीग्राफी थोड़ी और सीखता, बहुत सारी चीजें हैं करने को, कोई वाद्य यंत्र सीखता। पर ठीक है, जैसा भी है जो है यही है। तुम्हारा नाम क्या है? कौन कोर्स में हो? बीएचयू में? कौन कॉलेज में? मिर्जा मोरा। गेट के बाहर थोड़ा सा मिलना है। यही लगा लगाया था, और जैसे घूमा था ना ऐसे मेरी तरफ, तो हमको लगा कि यही ऐसे करेगा कुछ। नहीं नहीं, गाना सुनाएंगे। तो ये गाना जो है अमीर खुसरो का लिखा हुआ है, और खयाम एक म्यूजिशियन थे, उन्होंने दिया था इसका संगीत, और जगजीत कौर उन्होंने गाया था। उमराव जान फिल्म में था ये। जेरी मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि पिछले कम से कम 4-5 दिनों से गाड़ी में ये गाना हम लोग लूप में सुनते हुए आ रहे हैं कई बार। काहे को ब्याहे विदेश, अरे लखिया बाबुल मोरे। काहे को ब्याहे विदेश, भैया को दियो बाबुल महला दू महला। भैया को दियो बाबुल महला दू महला, हमको दियो परदेस, अरे लखिया बाबुल मोरे। थैंक यू।